गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग प्रथम की कक्षा का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वी एन पांडे आपको तृतीय प्रश्न पत्र प्राणी शास्त्र पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपने गैस्ट्रुला निर्माण तक की प्रक्रिया का अध्ययन किया हुआ है। आज हम भ्रूणीय प्रेरण या एम्ब्रियोनिक इंडक्शंस की बात करेंगे। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन या भ्रूणीय प्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ऊतक दूसरे ऊतक को विभेदित होने के लिए डिफरेंशिएट होने के लिए प्रेरित करता है और इस तरह से उसका विकास पूरी तरह से प्रभावित करता है। सबसे पहले स्पिमैन और मैंगोल्ड ने 1924 में इंडक्शन की प्रक्रिया की खोज की थी, जिसके लिए स्पिमैन को 1935 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इंडक्शन को समझने के लिए इसके कुछ उदाहरण देखें। एम्फीबिया में, वास्तव में स्पिमैन और मैंगोल्ड का काम एम्फीबिया में न्यूट्स पर था और इंडक्शन के काफ़ी प्रयोग एम्फीबिया पर ही किए गए हैं। तो एम्फीबिया में जो डॉर्सल लिप होता है ब्लास्टोपोर का, आपने पिछले दिन अध्ययन किया था कि बहुत सी कोशिकाएं डॉर्सल पोर ब्लास्टोपोर पर पहुंचती हैं और वहां से ब्लास्टोसील की तरफ रोल कर जाती हैं। तो एम्फीबिया में अगर अर्ली गैस्ट्रुला का किसी भी भाग से कोई भी ब्लास्टोमर्स ला करके डॉर्सल लिप के ऊपर रख दें तो जो भी ब्लास्टोमर होंगे वो न्यूरल प्लेट बनाएंगे, या डॉर्सल लिप के कुछ भाग को वहाँ से हटा करके भ्रूण में किसी भी अन्य स्थान पर रख दें तो उसके बाहर का भाग न्यूरल प्लेट बनाएगा। इससे ये स्पष्ट हुआ कि जो डॉर्सल लिप है उस पर उपस्थित जो कॉर्डा मेसोडर्म है, जो आकर के वहाँ पहुँची है मूव करके कन्वर्ज करके, वो अपने बाहर की कोशिका को न्यूरल प्लेट बनाने के लिए प्रेरित करेगी, भले वो बाहर की कोशिका मूल रूप से कुछ भी बनाने वाली हो। लेकिन अगर किसी कोशिका के नीचे की तरफ या उसके पास में डॉर्सल लिप का कुछ ब्लास्टोमर स्थित है या कॉर्डा मेसोडर्म की कुछ कोशिकाएं स्थित हैं तो ये अपने बाहर की कोशिका को न्यूरल प्लेट बनाने के लिए, तंत्रिका तंत्र बनाने के लिए प्रेरित करेंगी। तो स्पिमैन ने इसी आधार पर डॉर्सल लिप को इंडक्टर कहा था या प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहा था। इसी तरह से मुर्गी के अंडे में जो प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है वही एक तरह से ब्लास्टोपोर है। प्रिमिटिव स्ट्रीक का हैंसन्स नोड का भाग अगर भ्रूण के किसी अन्य भाग में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो वो आसपास के ब्लास्टोमर्स को न्यूरल ट्यूब बनाने के लिए प्रेरित करेगा। बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे एम्फीबिया के गैस्ट्रुला का डॉर्सल लिप कर रहा था। तो इन दोनों उदाहरणों में ये स्पष्ट हुआ कि एक ऊतक दूसरे ऊतक के विभेदन को, डिफरेंशिएशन को प्रभावित करता है। यहाँ पर कुछ एक प्रयोगों के उदाहरण दिए गए हैं, आप इनको देखें। ये पहला प्रयोग है, इसमें ये एग है, सबसे ऊपर वाला डायग्राम देख रहे हैं, इसमें एक का ग्रे क्रिसेंट वाला भाग है वो निकाल लिया गया है और देखा गया कि अगर ग्रे क्रिसेंट निकाल दिया जाए, यहाँ निकाल दिया गया है, आगे देखें इसमें गैस्ट्रुला का निर्माण ही नहीं हुआ है। तो अगर ग्रे क्रिसेंट वाला भाग अंडे में से निकाल दें तो गैस्ट्रुलेशन होगा ही नहीं। इसका अर्थ है कि गैस्ट्रुलेशन को इंड्यूस करने का काम, प्रेरित करने का काम ग्रे क्रिसेंट ही करता है जो अंडे में उपस्थित होता है। दूसरा प्रयोग यह दिखाया गया कि
कि भ्रूण का विदलन शुरू हो गया है, उसमें 8 कोशिकाएं बन गई हैं। इस समय इसमें से ग्रे क्रिसेंट वाला भाग काट के निकाल दिया गया है, ऊपर अंडे में निकाला था, यहाँ अंडे के विदलन होने के 8 कोशिका बनने के बाद निकाला गया और वो हिस्सा काट करके निकाल दिया गया और पता लगा कि उससे कोई निकालने से अंतर नहीं पड़ा, सामान्य भ्रूण का विकास हो गया। अगर 8 कोशिका बन चुकी हैं उसके बाद ग्रे क्रिसेंट के पार्ट को हटा दें तो सामान्य भ्रूण विकसित हो जाता है, जबकि एग अवस्था में अगर ग्रे क्रिसेंट निकाल दिया था तो गैस्टुलेशन ही नहीं हुआ था, भ्रूण का निर्माण नहीं हुआ था। अब एक अवस्था और देखें कि प्रारंभिक अवस्था से ये ग्रे क्रिसेंट वाले भाग को निकाल दिया गया और इसको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया, ट्रांसप्लांट कर दिया गया। देखें इधर से निकाला और यहाँ दूसरी जगह इसको शिफ्ट कर दिया और तब भी भ्रूण का विकास सामान्य तौर पर हो गया। और अगली अवस्था में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 8 सेल स्टेज में उसी पार्ट को निकाला गया और भ्रूण के दूसरे स्थान पर उसको शिफ्ट कर दिया गया। देखें जिस तरफ से निकाला था एक अन्य भ्रूण के दूसरे स्थान पर उसको शिफ्ट कर दिया गया और परिणाम कि 2 भ्रूण बन गए। इसका मूल इस जो जिस पे शिफ्ट किया गया था इसका मूल ग्रे क्रिसेंट ने भी एक भ्रूण बनाया और जो दूसरा ग्रे क्रिसेंट यहाँ लाकर स्थापित किया गया था इसने भी एक भ्रूण का निर्माण किया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो ग्रे क्रिसेंट वाला भाग है वो गैस्टुलेशन और भ्रूण निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट है कि किस समय ये इंडक्शन का प्रभाव डाल सकता है और किस समय का इंडक्शन का प्रभाव नहीं डाल सकता है। तो देखा ये गया है कि जो डॉर्सल लिप है या प्रिमिटिव स्ट्रीक है ये अपने आसपास के ऊतकों को न्यूरल प्लेट बनाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन लेट गैस्टुला अवस्था में अगर यही कार्य किया जाए, अर्ली गैस्टुला में तो ये इसके आसपास जो भी ऊतक होंगे उनको प्रेरित कर लेगा लेकिन लेट गैस्टुला को ये प्रेरित नहीं कर पाएगा। इसका कारण ये देखा गया कि जो ब्लास्टोपोर है उस पर निरंतर कोशिकाएं कन्वर्ज होती रहती हैं, कन्वर्ज होकर के अंदर धंसती रहती हैं, तो जो प्रारंभिक कोशिकाएं वहाँ पहुँचती हैं वो न्यूरल प्लेट बनाने वाली होती हैं, उस समय अगर ग्राफ्ट किया जाए तो बाहर की कोशिका को न्यूरल प्लेट बनाएंगे। बाद में कोशिकाएं जो आती हैं वो आर्केंटरॉन अर्थात जो आदि आंत्र है एलिमेंट्री इंटेस्टाइनल कैविटी है उसको बनाने वाली कोशिकाएं आने लगती हैं। तो देखा यह गया कि जब बाद की कोशिकाएं अगर आती हैं और उनको शिफ्ट किया जाए तो वो ट्रंक मीजोडर्म बनाएंगी और इस तरह से और बाद की कोशिकाएं अगर ली जाएँ तो वो टेल बनाएंगी। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे कोशिकाएं वहाँ पहुँचती हैं वो जो भी बनाने वाली कोशिकाएं हैं वो ग्राफ्ट की जाएँ तो अकॉर्डिंगली न्यूरल प्लेट ट्रंक या टेल के निर्माण को इंड्यूस कर सकती हैं समय के अनुसार। ये मिड गैस्टुला तक की अवस्था है। अगर गैस्टुला पूरी तरह से हो गया है, पूरा हो गया है गैस्टुलेशन की क्रिया, तो उसके बाद इंडक्शन की क्रियाएँ प्रभावित नहीं हो पाएंगी, इंडक्शन नहीं हो पाएगा। तो जो ब्लास्टोमर या ऊतक प्रभाव डालता है उसे इवोकेटर कहते हैं और इफेक्ट को इवोकेटिव इफेक्ट कहते हैं या इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं या इसको भ्रूणीय प्रेरण कहा जाता है। इसके मैकेनिज्म क्या है? ऐसा माना जाता है कि जो भी प्रेरक ब्लास्टोमर्स हैं वो कुछ रसायनों का निर्माण करते हैं, इन रसायनों को मार्फोजेंस कहते हैं इनको मार्फोजेन कहा जाता है। और ये मार्फोजेन ही बगल के ऊतक को इंड्यूस करते हैं, उसके भ्रूणीय विकास को प्रभावित करते हैं।
इनके केमिकल नेचर प्रोटीन पाए गए हैं, यद्यपि इनका आइसोलेशन कुछ प्रयोगशालाओं में हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से अभी भी इनकी पहचान होनी बाकी है कि प्रोटीन के कितने अमीनो अम्लों के इसमें चेन होती है। ये सब चीज़ें अभी ज्ञात नहीं हो पाई हैं व्यापक तौर पर, लेकिन ये मार्फोजन प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं और यही पदार्थ ही इंडक्शन की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसका ये भी एक बात कह सकते हैं कि मार्फोजेंस या इंड्यूसर्स के निर्माण की एक निश्चित समय अवधि है, उस समय अवधि के बाद ये निर्मित नहीं होते हैं और इसीलिए उस समय अवधि के बाद इंडक्शन की क्रिया नहीं हो पाती है। ये निर्माण की क्रिया अर्ली गैस्टुला की प्रारंभिक अवस्थाओं के समय ही होती है। ये जो मॉर्फोजेंस हैं या प्रोटीन पदार्थ हैं, ये आवश्यक नहीं है कि दूसरी कोशिका के अंदर प्रवेश ही करें, ये कोशिका की झिल्ली के साथ अटैच हो जाते हैं और कोशिका झिल्ली के साथ जुड़ करके ये दूसरी कोशिका के जो जेनेटिक डिफरेंशिएशन है या जो जीन का कार्य है उस कार्य को प्रभावित कर देते हैं और परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के अलग एंजाइम्स निर्माण होते हैं और कोशिका का विभेदन अलग प्रकार से हो जाता है। तो ये इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और ये प्रेरण की क्रियाविधि है। जो डॉर्सल लिप है इसको प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहा गया था स्पीमैन के द्वारा, और जब इस डॉर्सल लिप को और पीछे जाते हैं जैसा भी ऊपर देखा था, तो जो अंडे का एम्फीबिया के अंडे का जो ग्रे क्रिसेंट एरिया है, वास्तव में वही ग्रे क्रिसेंट ही बाद में ब्लास्टोपोर और ब्लास्टोपोर का लिप बनाता है। तो इस तरह से ग्रे क्रिसेंट जो है वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर माना जाने लगा है। डॉर्सल लिप या ग्रे क्रिसेंट ये ऑर्गेनाइजर्स हैं। जो इंडक्शन की घटना यहाँ बताई गई है ये न्यूरल प्लेट या टेल या ट्रंक मीजोडर्म, इन सभी के अलावा अनेक और भागों में पाई जाती है, जैसे कि लेंस का निर्माण, नेत्रों में लेंस का निर्माण, ये भी एक तरह से इंडक्शन के द्वारा ही होता है। जहाँ ऑप्टिकल कप बनता है वो अपने बाहर के ऊतक को लेंस बनने के लिए प्रेरित कर देता है। इसी प्रकार से एम्फीबियन में जब मेटामॉर्फोसिस में पूंछ का नेक्रोसिस होता है, टेल का नाश होता है, तो वो भी एक प्रकार से इंडक्शन की ही क्रिया है। तो बच्चों, ये इंडक्शन के बारे में कुछ बात हमने की है और आगे के लेक्चर्स में हम चर्चा करेंगे कॉम्पिटेंस और ऑर्गेनाइजर की अवधारणा। थैंक यू।